देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते अब तक की बड़ी खबरों का। नेशनल हेराल्ड केस में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए हैं। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। ईडी ने राहुल गांधी से 3 घंटे पूछताछ की। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की पेशी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में शांतिप्रिय व गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह की मार्च तो निकलेगी ही। न इसे अंग्रेज दबा पाए, न हमें अंग्रेज दबा पाए, और न अंग्रेजों के उस समय के मुखबिर और आज की सत्ता के हुक्मरान दबा पाएंगे। हम दृढ़ता से शांतिप्रिय और गांधीवादी तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी तक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च करके जाएंगे। मैं पूरे युवाओं से अपील करना चाहूंगा, वर्तमान हालात जो बन गए देश के अंदर, एक तरफ ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, अनावश्यक। पूरा मुल्क दुखी है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं लोग छापे डालने के लिए, विपक्षी पार्टियों के मिलने वालों के यहाँ। और दूसरी तरफ आग लगी हुई देश भर के अंदर, इस प्रकार से तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, दंगे हो रहे हैं, उनकी चिंता इनको नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी को अपने लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है अपने विपक्ष के नेताओं पर। जो मामला सबजुडिस है उसमें पहले ईडी नोटिस देती है। हमारे दोनों वरिष्ठ नेता सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी, वो समन को सम्मान उसको स्वीकार करते हैं। और आज राहुल जी गए वहाँ पे ईडी दफ्तर में, उन्होंने मना तो नहीं किया। अगर उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक परिवार की तरह खड़ा होना चाहते हैं तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत है? कौन सा डर है सरकार को? क्योंकि उनको लगता है कि आज लाखों कार्यकर्ता जो जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर सड़क पे आ जाएगा तो सरकार को ये सरकार का डर ही तो दिखाई दे रहा है। तो मैं तो पूरी तरह से इसकी निंदा करती हूँ। आज श्रीमती सोनिया गांधी, हमारी जो कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की को जो एक सुनियोजित ढंग से फंसाया गया है, सर्वविदित है। मामला कोर्ट में है, ईडी ने उसके बावजूद भी उनको तलब किया है, तो उसके विरोध में आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करने जा रहे थे, जिसके तहत सुबह 7 बजे से कई दर्जन पुलिसकर्मी, महिला पुलिस मेरे घर के चारों तरफ लगा दिए गए और घर से बाहर निकलने को मना कर दिया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, पहले 3 घंटे की पूछताछ के बाद अब दोबारा राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? जी त्रिशला, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर, जिसमें गांधी परिवार के सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे 55 करोड़ के गबन का आरोप लगा है, उसमें आपको बताया कि ईडी ने दोनों माँ बेटों को, यानी कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी को आज प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पेश हुए थे। वहीं आपको बता दें कि इस पेशी के दौरान आज देश भर में हर एक जगहों पे, हर एक राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध प्रदर्शन किए। वहीं अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में कल यहाँ जो कांग्रेस की विधायिका है आराधना मिश्रा मोना एवं सचिन पायलट की तरफ से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्याग्रह का आह्वान किया गया था। वहीं आपको बताएं कि जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया था, और जिसके बाद वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में प्रदर्शन ना करके ईडी के जो दफ्तर है वहां प्रदर्शन किए। उसी क्रम में आपको बता दें कि राहुल गांधी से आज जो ईडी का राष्ट्रीय मुख्यालय है दिल्ली के अंदर में, वहाँ आज उनसे लगभग 3 घंटे की पूछताछ हुई, जिसमें सैकड़ों सवाल उनसे पूछे गए। साथ ही साथ उनके जवाबों से
सवाल को बनाकर उनसे पूछताछ की गई। राहुल गांधी वहां आपको बताएं कि लगभग 3 घंटे पूछताछ के उनसे हुई। इस दौरान वहां हजारों के तादाद में कार्यकर्ता ईडी के दफ्तर के ठीक 1 किलोमीटर पुलिस बैरिकेटिंग होने की वजह से 1 किलोमीटर पहले उन्हें रोक दिया गया। वहीं आपको बताएं कि ईडी और सरकार के खिलाफ जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं जब राहुल गांधी पहुंचते हैं ईडी के दफ्तर तो वहां उन्हें सामान्य नागरिक के तौर पर उन्हें वहां पे पेश किया जाता है, जिसमें साफ तौर पे राहुल गांधी मुस्कुराते हुए ईडी के अफसरों से पूछते हैं क्या सबके साथ जो आम नागरिक होते हैं उन्हें भी ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने अफसरों के खिलाफ कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या कांग्रेसी जो नेता है उनको ही ईडी के दफ्तर बुलाया जाता है, क्या अन्य पार्टियों के ऊपर भी आपकी नज़र होती है। वहीं आपको बताएं कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आया था। वहीं सोनिया गांधी अभी सब गंगाराम अस्पताल दिल्ली में एडमिट हैं। और आपको बताएं कि 1 राउंड की पूछताछ के बाद राहुल गांधी अपनी माँ से मिलने जाते हैं सर गंगाराम अस्पताल, उसके बाद फिर से पूछताछ जारी है। अब देखने वाली बात ये होती है कि पूछताछ में क्या निकल के आता है। मगर जब राहुल गांधी ईडी के कार्यालय पहुँचते हैं तो अधिकारियों से कहते हैं कि आपको जो पूछना है पूछिए, मैं तैयार हूँ, और उनकी तरफ से तमाम जवाब दिए जा रहे हैं। अब जब रिपोर्ट आती है तब ये सामने होगा कि क्या निकल के आया है। मगर आपको बताएं कि ईडी में जो आरोप लगे हैं उसमें 2012 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार फायरबर्ड नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से शिकायत की गई थी कि नेशनल हेराल्ड के तहत इनकी तरफ से गांधी परिवार की तरफ से घोटाला हुआ है। और आपको बताएं कि ये मामला 2012 से चल रहा है, मगर पहली दफ़ा जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी वो पहली दफ़ा ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं आपको बताएं कि तमाम सवालों उनसे पूछे गए, जिसमें से एक सवाल उनसे पूछा गया कि आपका जो नेशनल जो ये यंग इंडिया है जो इसमें आपके कितने % शेयर हैं और कौन कौन से लोग और हैं जो इसके सदस्य हैं। जी त्रिशला जी विभांशु, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल पूछताछ जारी है ईडी की राहुल गांधी से, हम जल्द आपसे जुड़ेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई है, जिसको लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर उतरकर मार्च किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जो जेल से बेल पर है उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित कर दिल्ली बुलाया गया है। ये लोग खुलेआम एजेंसी पर दबाव डाल रहे हैं, क्या ये है कांग्रेस पार्टी की नीति? स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। 2010 में जिस कंपनी की स्थापना चैरिटी के लिए हुई, 2016 में उस कंपनी ने इस बात को स्वीकारा कि हमने कोई चैरिटी नहीं की। जिस कंपनी को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन लिया, उस कंपनी के लिए लोन कांग्रेस पार्टी ने माफ किया और उसका मालिकाना हक गांधी खानदान के पास दर्ज कराया। उस मालिकाना हक के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी मैं 2 बार पढ़ चुकी हूं। हाईकोर्ट ने सारा एविडेंस देखने के बाद कहा कि AGL के ऊपर यंग इंडियन का मालिकाना हक अपने आप में क्लैंडेस्टाइन है, सरप्चुअस है। आज ईडी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर इस प्रकार का दबाव डालना कहां तक लोकतंत्र और संविधान का सम्मान है, इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से गांधी खानदान को देना चाहिए। क्यों एक कंपनी जो अखबार का प्रकाशन करती थी और अब रियल एस्टेट का धंधा करती है, उसमें गांधी खानदान की इतनी रुचि है? इसका मतलब रियल स्टेट से मोह मात्र जीजा जी का नहीं, पूरे खानदान का है। संवाददाता सागर थापा और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है कि एक कंपनी जो पहले न्यूज़पेपर की थी,
न्यूज़पेपर छापती थी, अब वो रियल एस्टेट कंपनी है। उन्होंने सीधा सीधा निशाना जो है वो प्रियंका गांधी के हस्बैंड की तरफ किया कि जीजा जी के साथ साथ पूरे खानदान का रिश्ता है। क्या इस पे अभी तक कोई सफाई आई है या फिर अभी इसका कोई खंडन नहीं किया गया? क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी तसला, आपको बता दूं कि आज स्मृति ईरानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कांग्रेस को निशाना बनाते हुए तमाम बातें कहीं, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये भी जाहिर कहा कि जो बात हो रही है, जो आंदोलन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, देखा जाए तो वो मात्र कांग्रेस का एक आंदोलन नहीं है बल्कि गांधी परिवार के लिए 2000 करोड़ की संपत्ति बचाने के लिए आंदोलन है। एक बड़ा सा आरोप लगाया स्मृति गांधी ने और तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं। बात करूंगा, आज़ादी के पहले का यह पेपर है, उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने कमान संभाली देश की, तो उसके बाद पेपर को एक नया रुख मिला। उसके बाद 2012 में सुब्रमण्य स्वामी ने एक याचिका डाली, तो उसके बाद पीढ़ी परत दर परत खुलती चले गई। जी जी वही, अगर बात किया जाए तो स्मृति ईरानी आरोप लगा रही है कि दबाव बना रही है कांग्रेस पार्टी की, ये नीति है कि खुलेआम एजेंसियों पर दबाव बना रही है कांग्रेस, शासित राज्यों के बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं को दिल्ली बुलाकर दबाव डाल रही है। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? जी देखिए त्रिशला, आज हमने आराधना मिश्रा है, मोना उनसे भी बात की, नसीबुद्दीन सिद्दीकी हैं कद्दावर नेता, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी बात की प्राइम टीवी ने, तो साफ साफ दोनों का साफ साफ कहना था कि कांग्रेस पार्टी पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस तरह से राजनीति ना खेलना चाहती है बल्कि मिलकर चलना चाहती है। और दूसरी तरफ दोनों नेताओं ने यह भी जाहिर किया कि जो खुफिया एजेंसी है, जाँच एजेंसी है, उसका केंद्र सरकार गलत उपयोग कर रही है और कांग्रेस पर दबाव बना रही है, साथ ही उन पर आरोप भी लगा रही है। बात है 2000 करोड़ की और तमाम ऐसी चीज़ों की। आज़ादी की बात करूंगा तो उस समय 5000 स्वतंत्रता सेनानी यहां पर भर्ती किए गए थे, उस वक्त वो सब शेयर होल्डर थे। उसके बाद अगर बात करें अब की, तो यहां पर शेयर होल्डर केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी बसे हैं, जो कि 38-38 फीसदी के शेयर होल्डर है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपना आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी है वो उन पर और उनकी पार्टियों पर जांच एजेंसी का दबाव बना रही है। जी जी बिल्कुल, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सागर। खबर कानपुर से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष के समर्थक और सपा नेता फतेह बहादुर सिंह के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के चलते सपा नेता को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। बता दें उस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। सपा नेता इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गया, हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही और सपा नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। दो पक्षों में यह मारपीट हुई है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के समर्थक और सपा नेता फतेह बहादुर सिंह के बीच मारपीट हुई है। संवाददाता उपेंद्र अस्थाना कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, किन मामलों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष समर्थक और सपा नेता में यह मारपीट हुई है? जी आपको पता चला, जो ये समाजवादी पार्टी और जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो विवाद हुआ था वह कब्जे को लेकर विवाद चालू हुआ था, जिसमें आज सुबह भाजपा के लोग है जो कब्जा लेने पहुंचे थे वहां पे मौके पे। उसके बाद जो सपा प्रत्याशी समर बहादुर सिंह गिल जो हैं, जब वहाँ पहुंचे हैं उन्होंने वहाँ बदतमीजी चालू की, उसके प्रदर्शन आया। उसके बाद जो मारपीट हुई है उसमें कहीं ना कहीं देखा तो भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे, उसमें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी की है, जो कि साफ साफ वीडियो में नजर आ रहा है कि उसमें भाजपा कार्यकर्ता कम है और उसके बाद जो है सपा कार्यकर्ता जो है उसमें ज्यादा है। मारपीट के दौरान जो देखा जाए तो उसमें जो है समाजवादी पार्टी ने जो किया झगड़ा किया। जी बिल्कुल, खबरें सामने आ रही कि नेता फतेह बहादुर सिंह को भी काफी चोट लगी है। उपेंद्र, उन्हें कहां भर्ती कराया गया, उनका इलाज किस तरह से चल रहा है? जी अगर देखा जाए तो एक सिख समाज को देखा जाए तो उसको देखा जाए तो उस तरीके से वो समुदाय जो समुदाय को बड़ा शर्मनाक काम है कि किसी भी सरदार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पगड़ी उनकी निकाली गई है ये एक शर्मनाक कार्य है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो। और जो देखा जाए तो समर बहादुर जो गिल जो घायल है उनको जो है काशीराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उपचार के दौरान जो प्रार्थना पत्र चकेरी पुलिस को दिया उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। कितने लोगों पर इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है उपेंद्र, और आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो भी इस घटना में संलिप्त पाए गए हैं?
जी आप बता चला, विधानसभा स्पीकर सतीश महाना का जो रिश्तेदार है मधुकर महाना जो है, उसके नाम और दो लोग और ज्ञात हैं, बाकी 40 लोग अज्ञात नाम मुकदमा दर्ज किया गया है गंभीर धाराओं में। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद उपेंद्र। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में पत्थरबाजों द्वारा उपद्रव किया गया था, जिसमें अब तक 92 लोगों से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं विकास प्राधिकरण की टीम 37 लोगों के अवैध मकान और दुकान को चिन्हित किया है, जिस पर पीडीए का बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। धीरे धीरे लोग अपने दुकान का सामान भी हटाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन से उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। अभी जो मुख्य आरोपी था जावेद उर्फ पंप, उसका जो मकान है वो ध्वस्त किया जा चुका है, और इसी कड़ी में अन्य लोगों को भी नोटिस जारी किया गया है जो इस घटना में पाए गए हैं। साथ ही साथ 37 लोगों के अवैध दुकान और मकान को चिन्हित भी किया गया है, जिन पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। वहीं लोग धीरे धीरे अपने सामान को हटा भी रहे हैं। अब लोकल पेपर में दिया गया है, हाँ इधर टूटे फूटेगा, इसके लिए हम लोगों ने अपना इंतजाम पहले से देख रहे करने के लिए और हटा रहे हैं, साफ सफाई करना और क्या करेंगे। तो मतलब कोई नोटिस वोटिस नहीं मिली हम लोग को, ना कोई इत्तला दिया गया है। हाँ तो मतलब अपने एहतियातन, हाँ एहतियातन हटा रहे, क्योंकि बन चुका हुआ है सामान, खराब हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। लोगों में दहशत बना हुआ है, जब से जावेद उर्पंप जो मुख्य आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चला है, लोगों में दहशत बना हुआ। आपको बता दें कि जब उसके घर पर बुलडोजर चला था तो उसके घर से पीएफआई के झंडे और तमाम तरह के पोस्टर बैनर्स भी मिले थे, जिसके बाद से इस घटना में अन्य लोगों को भी चिन्हित किया गया है। 37 लोगों के अवैध मकान और दुकानों को पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। हालांकि यहाँ पे लोगों का कहना है कि इन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद एक हिंसा हुई थी प्रयागराज में, जिसमें खुलेआम पत्थरबाजी हुई थी। डीएम एसएसपी को भी चोटें आई थी, जिसके बाद से इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों को चिन्हित किया गया। साथ ही साथ एडीजीएलओ ने भी इस पर बयान दिया था, और उसी दिन गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने भी मीटिंग बुलाई थी और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही थी। साथ ही साथ उन्होंने रिपोर्ट भी मांगा था। वह इस कड़ी में अब 37 और लोगों को भी नोटिस दिया जा चुका है, जिनके घर पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। संवाददाता पवन पटेल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, ये जो 37 लोग अन्य है जिन्हें चिन्हित किया गया है, क्या इनको नोटिस दिया जा चुका है अभी तक? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे पूरे मामले पे 37 लोगों को नोटिस जरूर, नोटिस नहीं दी गई है, 37 लोगों के नाम आए हैं, उनकी सूची जारी की गई है। हालांकि इनको अभी तक किसी तरह की नोटिस नहीं दी गई है, और अगर बात की जाए प्रशासनिक अमले की तो उन्होंने इस पे कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि अभी किसी भी तरह के उनके नामों की घोषणा नहीं की गई है, उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। उनके नामों की लिस्ट आई है 37 लोगों की, और जिन 37 लोगों की लिस्ट आई है उनके घर में अभी किसी भी तरह की नोटिस नहीं दी गई है। जी जी, लोगों का क्या इस पे कहना है, जो स्थानीय है उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, चूंकि मामला अति संवेदनशील है, तो इस पे जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उस पे कुछ भी कहने से लोग पूरी तरीके से कतरा रहे हैं, और लोग जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, अपनी प्रतिक्रिया देने से पूरी तरह से बच रहे हैं, तो स्थानीय लोग इस पर किसी भी तरह से सामने नहीं आ रहे हैं। जी पवन, और क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पर लेकर? जितने लोग संलिप्त पाए गए थे इस घटना में, फिलहाल अभी तो 37 लोगों की पहचान की गई है, अन्य लोगों पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? अभी तक टोटल पूरे इस मामले में 92 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जिनमें से 4 नाबालिग भी हैं। और भाई अगर बात की जाए, जी पवन, अगर आज की ताजा अगर अपडेट की बात की जाए, तो इस समय ये जो अटाला का क्षेत्र है
वो पूरा क्षेत्र जो है, चूंकि कल जिस तरीके से वहां पर बुलडोजर चला था जावेद पंप के घर पे, आज पूरे अकाला क्षेत्र में जो दुकानें हैं, जो मार्केट है, वो पूरा मार्केट लगभग मुस्लिम बाहुल्य कहा जा सकता है, वहां पे जो लोग हैं अपनी दुकानों को समेटते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने पूरे सामान जो है, जो ज्यादातर सड़कों पर या पटरियों पर वहां पे दुकानें लगती थी, वहां के जो दुकानदार हैं अपने सामान को सुबह से निकाल रहे हैं। उनके दिल में ये पूरी चीजें साफ तौर पर उनके तस्वीरें देख के कहा जा सकता है कि उन लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिन में या आने वाले समय में इस पे कार्रवाई होगी और यहाँ भी बुलडोजर चलेगा, तो निश्चित रूप से ये जो कड़ी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आने वाले दिन में एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। जी पवन भाई, अगर बात किया जाए जावेद पंप के घर पर जब बुलडोजर चला था, तो बाद में कई तरह के जो आरोप हैं वो ये लग रहे हैं कि प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, वो घर जावेद पंप के नाम पर ना होकर उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य का था, तो क्या उस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने आया किसी भी अधिकारी का? नहीं, किसी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। जावेद पंप के वकील का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि ये जो मकान है ये जावेद पंप की सास ने उनकी पत्नी को गिफ्ट किया था। और अगर बात की जाए अभी तक, हालांकि इसको आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां पर जो बिजली के बिल है, जो नगर निगम के जो भी कागजात हैं, वो जावेद पंप के नाम से नहीं है, उनकी पत्नी के नाम से हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि इसको पूरी तरीके से साफ तौर पर स्थिति अभी तक नहीं स्पष्ट हो पाई है कि मकान किसके नाम है, अभी उस पर जांच पड़ताल चल रही है और जैसे इस पर किसी तरह की अपडेट आती है निश्चित रूप से वो सामने आएगी और अधिकारी अगर इस पर कुछ बोलते हैं आला अधिकारी तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद पवन। अब तक की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।